एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह तंगी है रिज्क की, कोई वजीफा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए, कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे वड्डे वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ों जी मंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, सुनो ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कह या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा लिय रिज़्की, मैं चाहता हूँ मेरी रोज़ी खुल जाए। तो आपने कहा अदम आला तहारा युवस्सा लिक रिज़्को, तू बावुज़ू रहा कर तेरा रिज़्क खुल जाए। कोई जोर लगता है वुज़ू? तुम्हारे यहाँ तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़े। नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी, ना ले जाऊँ सर्दी बड़ी, मरासियों को सर्दी ज़्यादा लगती। मैंने कहा नहीं आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको ले कर जब वो टूटी पर बैठा ना, जू ही हाथ पे पाए, ओ हाले ओ ठंडा पानी, ओ हाले ओ ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी। मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लें, अदीम आला तहारा युवस्सा लिक रिज़्क। मेरे नबी ने फरमाया बावजू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है, तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदम आला तहारा युवस्सा लिक रिज़्क, बावुज़ू रहा कर। अच्छा बावुज़ू रहने के और फायदे। अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है। और वजू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी, चलो यार वजू है चार फर्जी पढ़ लूंगी,